आपकी मेजबान लारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात की तारीख 19 सितंबर को आम तातील का ऐलान। ओंटेरियो हुकूमत का आम तातील ना करने का फैसला। 19 सितंबर को ओंटेरियो में यौम सौग मनाया जाएगा। कैनेडियन वफद की पाकिस्तान आमद, सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कनाडा का पाकिस्तान के लिए मजीद 25 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम के सिलसिले में दुआया तकरीब का इनेकाद। 50,000 से ज़ायद सिखों ने शिरकत की। शुरका का खालिस्तान के क़याम तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। एशिया कप नाखुशगवार वाक़े में मुल्क से फरार होने वाले शहरी मुलव्विस हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज सोशल मीडिया मुहिम में फेक अकाउंट कार फरमा है। अफगान आवाम संजीदा कौम है जो ऐसी हरकतों पर यकीन नहीं रखती। मलिका एलिजाबेथ डोम की मैयत ले जाने वाले तैयारे की ट्रैकिंग का नया रिकॉर्ड कायम। मलिका एलिजाबेथ डोम का ताबूत लंदन में बिकिंघम पैलेस पहुंच गया। मलिका के आखिरी दीदार के लिए बरतानवी शहरी बड़ी तादाद में पैलेस के बाहर जमा हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात की तारीख को कनाडा में आम तातील की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात की तारीख 19 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात की तारीख को कनाडा में कौमी तातील के साथ निशानजद किया जाएगा। उनका कहना था कि हम सूबों और इलाकों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम इस पर हम आहंग हैं। अभी कुछ तफसीलात पर काम करना बाकी है, लेकिन पीर को कैनेडियंस के लिए सोग मनाने के मौके का ऐलान करना अहम होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि जब तक सूबे इस मंसूबे पर अमल नहीं करते, सिर्फ वफाकी सरकारी मुलाजमीन को उस दिन की छुट्टी मिलेगी। तकरीबन 85 से 90% वर्कर्स को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। ओंटेरियो हुकूमत ने उस दिन आम तातील न करने का फैसला किया है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने तस्दीक की कि जब मलिका को 19 सितम्बर को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो ओंटेरियो में सूबाई तातील नहीं होगी। एक बयान में फोर्ड ने कहा, ओंटेरियो 19 सितंबर 2022 को सूबाई तातील के बदले यौम सौग के तौर पर मनाएगा। फोर्ड ने कहा कि यौम सौग तमाम ओंटेरियंस को मलिका एलिजाबेथ डोम की शानदार ज़िंदगी और खिदमत और फ़र्ज के तई उनकी बेलौस वापसगी पर गौर करने का मौका फराहम करेगा। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 25 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 25 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान किया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मंगल को कहा कि 12 इमदादी एजेंसियों में से एक को दिए गए अतियात जो कि इंसानी हमदर्दी के इत्तेहाद को तश्कील देते हैं 28 सितंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलियन डॉलर तक मिल जाएंगे। ट्रूडो ने पाकिस्तान के सैलाब को खौफनाक मौसमियाती आफत करार देते हुए कहा, हम मदद करने के दीगर तरीक़ों पर गौर करते रहेंगे। कनाडा के बैनुल अक्वामी तरक्की के वजीर हरजीत सज्जन पाकिस्तान के दौरे पर हैं जहां वो तबाही का मुशाहदा कर रहे हैं। वजारत इक्तिसादी उमूर में वफाकी वजीर ने वक्त का इस्तकबाल किया और कनाडा के पाकिस्तान के साथ अजहम पर इजहार तशक्कुर किया। हरजीत एस सज्जन ने वफाकी वजीर से मुलाकात के दौरान कहा, हमें सैलाब की तबाही का एहसास है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है और हम पाकिस्तान को ये बताने के लिए हाजिर हैं कि हम आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है। कनाडा में पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है जो मदद करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए बेचैन है। कनाडा के वजीर ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर दिली अफसोस जाहिर किया और कहा कि कनाडा पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी ज्यादा से ज्यादा
इमदाद फराहम करने की ख्वाहां है। कैनेडा के वजीर ने पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा। महकमे की तर्जुमान मार्लिन ग्यूरमोंट ने लिखा, हम पाकिस्तान के लोगों को मदद फराहम करने के तरीकों पर गौर करते रहते हैं और हम मुनासिब और ज़रूरियात की बुनियाद पर इजाफी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में 50,000 से ज़ायद सिखों ने एक इज्तमाई दुआ की तकरीब में शिरकत की और खालिस्तान तहरीक की हिमायत और इजहार यकजहती किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम के सिलसिले में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। कनाडा के शहर टोरंटो में 50,000 से ज़ायद सिखों ने एक इज्तमाई दुआ की तकरीब में शिरकत की और खालिस्तान तहरीक की हिमायत और इजहार यकजहती किया। तकरीब का इनेकाद सिखों की नुमाइंदा तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस ने किया था। यह दुआया तकरीब रवां माह की 18 तारीख को कनाडा में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम की हिमायत के लिए की गई। तकरीब के शुरका ने जर्द रंग के झंडे उठा रखे थे जिन पर खालिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर तकरीब में मौजूद मर्द खवातीन और बच्चों ने नारे लगाए और खालिस्तान के क्याम तक जदोजहद जारी रखने का अजम जाहिर किया। सिक्स फॉर जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि कनाडा की सिख बरादरी का इस रेफरेंडम के लिए रद्द अमल ज़बरदस्त है। कनाडा में मुकीम हज़ारों नौजवान सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम के जमहूरी अमल में जोशो खरोश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा में मुकीम सिखों ने कारों और मारूफ कैनेडियन ट्रकों समेत 2,000 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल कई किलोमीटर तवील कार रैली में शिरकत करके खालिस्तान तहरीक की हिमायत का नया रिकॉर्ड कायम किया है। रेफरेंडम का इनेकाद ब्रैम्पटन शहर में सरकारी इमारत दी गोर मिडो कम्युनिटी सेंटर में होगा। खालिस्तान रेफरेंडम मुहिम के तहत सिख लोगों से पूछा गया है कि क्या हिंदुस्तान के जेरे इंतजाम पंजाब को एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए। इमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच के बाद पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात पर कहा है कि अफगान अवाम संजीदा कौम है जो ऐसी हरकतों पर यकीन नहीं रखती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इमारत इस्लामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच के बाद पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात पर कहा है कि अफगान आवाम संजीदा कौम है जो ऐसी हरकतों पर यकीन नहीं रखती। तफसीलात के मुताबिक एशिया कप में पाक अफगान मैच के बाद ग्राउंड में हंगामा आ रहा है और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम के हवाले से जब इमारत इस्लामिया का मौका पूछा गया तो तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, यह नाखुशगवार वाकया ऐसे कुछ लोगों की जानिब से पेश आया है जो इमारत इस्लामिया की आमद के बाद मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अफगान आवाम संजीदा कौम है जो ऐसी हरकतों पर यकीन नहीं रखती। सोशल मीडिया पर इस नफरत अंगेज मुहिम के पीछे हमारी तहकीक के मुताबिक कुछ फेक अकाउंट्स कारफरमा हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, इमारत इस्लामिया ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और अफगान नौजवान के नाम कुछ दिन कबल एक हिदायतनामा भी जारी किया था जिसमें उन्हें शाइस्तगी और इखलाकी रवैया अपनाने की तलकीन की गई थी। बुध 7 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले पाक अफगान मैच के बाद हंगामा आराई के बाद इमारत इस्लामिया के तर्जुमान की जानिब से जारी हिदायतनामे में पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को अफगानी और इस्लामी कल्चर के खिलाफ करार दिया गया था। तर्जुमान की जानिब से सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तनवी भी की गई। दुनिया भर से 2,000 अहम शख्सियात 19 सितंबर बरोज़ पीर को मलका बरतानिया के आखिरी रसूमात में शिरकत करेगी जिनमें अमरीका और तुर्किया के सुदूर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म समेत मुतअद्दिद सरबराहान शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त सामने आ गई है। मलका एलिजाबेथ दोम की मैयत खसूसी तैयारे में एडिनबरा से नॉर्थलिट के लिए रवाना की गई तो तैयारे के ऑन होते ही दुनिया भर से 60,00,000 से ज्यादा लोगों ने उस परवाज को ट्रैक किया। इस खसूसी परवाज के लिए रॉयल एयरफोर्स का बोइंग C-17A तैयारा इस्तेमाल किया गया। मलिका एलिजाबेथ दोम की आखिरी परवाज के हवाले से फ्लाइट ट्रैकिंग के आदाद व शुमार ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया भर से 2,000 अहम शख्सियात 19 सितम्बर बरोस भी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी जिनमें अमरीका और तुर्किया के सदू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म समेत मुतअद्दिद सरबराहान शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मदु नहीं किया गया जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर ने अभी तक
शिरकत की तस्दीक नहीं की। मलिका एलिजाबेथ दोम का ताबूत लंदन में बकिंघम पैलेस पहुंच गया। मलका के आखिरी दीदार के लिए बरतानवी शहरी बड़ी तादाद में पैलेस के बाहर जमा हो गए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स और शाही खानदान के अफराद ने मंगल की रात जैसे ही बकिंघम पैलेस में मलिका एलिजाबेथ का ताबूत वसूल किया तो लंदन में शदीद बारिश के बावजूद भी आवाम मलका के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर जमा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरी रात में मलिका बरतानिया का ताबूत करीबी हवाई अड्डे से लंदन के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहा था तो पूरे रास्ते में आवाम का हुजूम खड़ा नजर आ रहा था। कुछ लोग सड़कों पर खड़े फूल फेंक रहे थे और बहुत से लोग अपनी कारों से निकल कर करीबी गलियों से सिर्फ मलिका के ताबूत की एक झलक देखने के लिए भाग रहे थे। हैरी और मेघन मलिका बरतानिया के आखिरी दीदार के लिए बकिंघम पैलेस पहुंच गए। जैसे ही मलिका का ताबूत बकिंघम पैलेस में दाखिल हुआ तो पुलिस जो कि प्रोटोकॉल के साथ ताबूत को लेकर आई पैलेस के बाहर जाने वाले रास्तों पर ही सर झुकाकर रुक गई। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान नारिब खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।